रणवीर सिंह को एक साथ मिले दो नोटिस, जहां एक नोटिस ने तो उनके चेहरे पे मुस्कान लाई होगी तो दूसरे नोटिस ने ही उनकी उस मुस्कान को दो गुना मुश्किल में बदल दिया होगा। क्या है पूरी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। तो रणवीर सिंह ने बीते दिनों पेपर मैगजीन के साथ एक न्यूड फोटो शूट किया था, जिसके लिए बहुत से बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें अप्रिशिएट किया था। वही फैंस के मिक्स से रिएक्शन निकल के सामने आए थे। ये बात तो पहले ही पता चल चुकी थी कि रणवीर सिंह के ऊपर एक लीगल केस फाइल किया गया है, जो कि उनके ऊपर वुमेन सेंटीमेंट्स को हार्म करने के लिए लगाया गया था केस। लेकिन ये मामला बीच में बहुत गर्माया था, अब कुछ दिनों से ठंडा पड़ गया था कि लीगल केस हुआ था लेकिन उसके कुछ आउटकम्स नहीं नजर आए थे। तो इन्हीं दिनों के बीच में एक रणवीर सिंह को नोटिस मिला था हॉलीवुड से कि उनको अप्रोच किया जा रहा था एक और ऐसे न्यूड फोटो शूट के लिए, एंड उन्हें अच्छी खासी पेमेंट भी मिलने वाली थी एंड वो हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन उस नोटिस की तो कंफर्मेशन अभी तक कुछ पता नहीं लग पाई, लेकिन जो केस रणवीर सिंह के ऊपर फाइल किया गया था उसकी अपडेट निकल के सामने आई है। रणवीर सिंह को मुंबई पुलिस ने नोटिस सेंड कर दिया है एंड मुंबई पुलिस चाहती है कि रणवीर सिंह 22 अगस्त को हाजिर हो पुलिस स्टेशन के अंदर, उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा इस न्यूड फोटोशूट के पीछे। एक फोटोशूट जिसने रणवीर सिंह के लिए हॉलीवुड के दरवाजे खोले तो दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी के भी इंडिया में दरवाजे खोल दिए। रणवीर सिंह को अब हाजिर होना होगा 22 अगस्त को पुलिस स्टेशन में एंड देनी होगी अपनी स्टेटमेंट। कमेंट करके जरूर बताना कि इस लीगल केस के ऊपर आपकी क्या राय है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसी किसी नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने से पहले वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।